हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन वॉक टुगेदर। हम सभी का ये मानना है कि स्ट्रेस हम लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और हम इसको अपनी लाइफ का विलन समझते हैं, है ना, अपना दुश्मन समझते हैं। पर क्या वाकई में ही स्ट्रेस हमारा दुश्मन है या फिर हमारा दोस्त है? चलो उसके पीछे का लॉजिक देखते हैं। एक्चुअली स्ट्रेस जो है ना, वो हमारे लिए एक बॉडी पेन की तरह काम करता है। जैसे कि हमारी बॉडी में जब कहीं पेन होता है तो हमें ये पता चलता है कि वहाँ उस पर्टिकुलर जगह पे हमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, है ना। और फिर हम वहाँ का ट्रीटमेंट देखते हैं, या तो डॉक्टर के पास जाएंगे या खुद से कुछ करेंगे, पर कुछ ना कुछ तो करेंगे उस पेन के लिए, ताकि वो जो भी जिस भी वजह से पेन हो रहा है उस वजह को, उस कोज को हम ठीक कर सकें, राइट। तो स्ट्रेस भी हमारे लिए बिल्कुल वैसा ही काम करता है, उसी बॉडी पेन की तरह। स्ट्रेस जो है वो हमको बताता है कि हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कहीं कुछ है जो कि ठीक नहीं है। तो स्ट्रेस जो है वो एक तरीके से हमें हेल्प करता है ये जानने के लिए कि लाइफ में कुछ गड़बड़ है और इसको ठीक करना है। सोचो अगर हमें स्ट्रेस ही ना हो, किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रेस ही ना हो, तो क्या हम अपने काम में उतनी मेहनत करेंगे, उतना हार्डवर्क करेंगे? चाहे वो करियर वाइज हो, चाहे वो हमारे बिजनेस के लिए हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो कहीं भी हो, क्या हम उस चीज़ में उतनी मेहनत करेंगे अगर हमें स्ट्रेस ही नहीं होगा तो? स्ट्रेस जो है वो सिम्टम होता है इस चीज़ का कि समथिंग इज़ रॉन्ग एंड नाउ इट्स नीड टू फिक्स इट। विदाउट स्ट्रेस ये पॉसिबल नहीं है, विदाउट स्ट्रेस ये जानना पॉसिबल नहीं है कि हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है और किस चीज़ को हमें ठीक करने की ज़रूरत है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा है? वेल, शायद नहीं। एक्चुअली क्या है कि स्ट्रेस को हमें मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें नहीं पता है कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, तो फिर वो स्ट्रेस हम पर ही हावी हो जाता है। स्ट्रेस को हमसे चाहिए सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, और अगर हम उसको सॉल्यूशन नहीं देंगे तो स्ट्रेस उसके बदले हमको दे देगा डिप्रेशन, जो कि उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, है ना। तो इसलिए हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है स्ट्रेस को मैनेज करने की। अब स्ट्रेस को मैनेज करने का क्या मतलब हुआ? स्ट्रेस को मैनेज करने का मतलब हुआ कि पहले तो उसको समझने की कोशिश करो कि स्ट्रेस कहना क्या चाह रहा है, वो किस चीज़ का स्ट्रेस है। यू नीड टू फिगर आउट कि लाइफ में प्रॉब्लम क्या चल रही है, लाइफ के किस पार्ट में प्रॉब्लम है। किसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, कोई बिजनेस में प्रॉब्लम है, कोई करियर प्रॉब्लम है, या फिर हेल्थ प्रॉब्लम है, या मनी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है। यू नीड टू फिगर आउट कि क्या है स्ट्रेस का रीज़न, रूट कॉज क्या है। दूसरा, आपको उसके बाद फिगर आउट करने की ज़रूरत है कि उस चीज़ का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। उसके बाद आपको फिगर आउट करने की ज़रूरत है कि वो जो भी रीज़न है जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है, उस रीज़न के लिए आप क्या कर सकते हो, क्या कोई सॉल्यूशन है, क्या कोई सॉल्यूशन नहीं है, या जो भी है उस चीज़ को फिगर आउट करो। और अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो उसके ऊपर काम करिए, उसको उसके लिए प्लान बनाइए, उसके लिए जो भी आपको चीज़ें करनी है वो सब करिए, उसको फिक्स करिए। और अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो फिर उसको जैसा है ना वैसे ही रहने दीजिए, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उसको छोड़ दीजिए। कई बार प्रॉब्लम्स को ऐसे ही छोड़ना पड़ता है, जैसे कि होता है ना, कई बार हमारे कोई चोट लग जाती है तो उसको कई बार कुछ ना करके हम उसको ठीक कर रहे होते हैं। ज़रूरत नहीं पड़ती हमें उसको, उसके ऊपर दवाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, कोई भी मेडिसिन लेने की, वो अपने आप ठीक हो जाता है। तो इसी तरीके से कई बार प्रॉब्लम को भी ऐसे छोड़ देना चाहिए, वक्त के साथ धीरे धीरे चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो यही बेस्ट सॉल्यूशन है कि उस प्रॉब्लम को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। हो सकता है आगे जाकर टाइम के साथ साथ कोई और सॉल्यूशन आपको मिल जाए उस प्रॉब्लम के लिए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और उसको ऐसे ही छोड़ दो। और अगर आपके स्ट्रेस का रीज़न है कि आपको किसी चीज़ से दूर जाने की ज़रूरत है, कई बार होता है ना कि हमने ज़बरदस्ती अपने आप को किसी चीज़ के अंदर फंसा के रखा हुआ है और उस वजह से हमको स्ट्रेस हो रहा है, तो अगर ऐसा कुछ भी है तो अपने आप को वहाँ से बाहर निकालिए और उस सिचुएशन को वहीं पर छोड़कर उससे दूर हो जाइए और स्ट्रेस फ्री हो जाइए। तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें होती है जो कि हमें स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करती है। और स्ट्रेस को मैनेज करने का सही तरीका यही है कि सबसे पहले यही समझना है कि स्ट्रेस है किस लिए। सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन पे काम करिए, सॉल्यूशन नहीं है तो जाने दीजिए। लेकिन बहुत ज़्यादा उस बारे में सोचना और बहुत ज़्यादा उस बारे में परेशान होना जो है वो एक डिप्रेशन का रीज़न बन जाता है। इसलिए स्ट्रेस के साथ दोस्ती नहीं करनी है, स्ट्रेस के साथ दूर दूर रहना है, दूर से देखकर उसको समझ जाना है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गड़बड़ है, उसको ठीक करना है। और अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो उसको जाने दो, और अगर ठीक हो रहा है तो फिक्स इट, बस।
लेकिन स्ट्रेस के साथ दोस्ती नहीं करनी है, क्योंकि जब स्ट्रेस अगर हमसे खुश हो गया ना ज़्यादा, तो फिर वो डिप्रेशन देकर नहीं मानेगा। इसलिए उसको ज़्यादा खुश नहीं करना, इसलिए उससे दूर रहो और उसको ज़्यादा अटेंशन मत दो। बस वो सिम्टम देने के लिए आता है, हमें आइडिया देने के लिए आता है कि देयर इज़ समथिंग प्रॉब्लम, तो उसको उतना ही यूज़ करो, ज़रूरत से ज़्यादा उसका यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज़ द बेस्ट मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस। सो आप मुझे बताइए कि जब आपको स्ट्रेस होता है तो आप उस स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं, और आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।